वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष दसवीं वर्ग की विज्ञान की जो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 40 पूर्णांक के हैं, जिसके परीक्षा गतमा होने जा रही है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच, उसका जो उससे सम उसके लिए जो झारखंड अधिविद्य परिषद या झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो मॉडल सेट तैयार की गई है, उसका सेट का जो दूसरा सेट है, उस सेट को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो चलिए, इस पर विलंब ना करते हुए हम जो टॉपिक हमारा है, विषय है, उस विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न जो है, उसकी ओर हम चल रहे हैं कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F इक्वल टू R बाय 2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या तो R बराबर 2F होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा F इक्वल टू R बाय 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है या उपयुक्त नहीं है? तो इसमें मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, बाकी सिवाय प्लास्टिक से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से लेंस बना सकता है, जल से प्रयोग करके किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, यदि F का मान 12 सेंटीमीटर है तो R का मान क्या होगा? F इक्वल टू फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और वक्रता त्रिज्या जो हो गया, F हमारा दिया हुआ 12, यहाँ पे F का मान 12 दिया हुआ है, तो R क्या होगा? तो R इक्वल टू हो जाएगा 2F, तो 12 × 2, इसका उत्तर हो जाएगा 24, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, वाहन के अग्रद्वीप द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन के अग्रद्वीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो अवतल दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा, वर्चुअल रिफ्लेक्टर होगा। डायोप्टर मात्रक किसका है? तो लेंस की शक्ति का, ये तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर या F जो होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो है 50 सेंटीमीटर मिलेगा। P इक्वल टू 1/F, ये सूत्र पे अगर सेट करते हैं तो P के जगह पर 2D हो जाएगा और 1/F हो जाएगा, तो F यहाँ आ जाएगा, F जो P के पास चला जाएगा,
पी जो है आपके पास चला जाएगा, तो 2 से भाग देते हैं तो वो मीटर में आता है, तो 2 से 1 को भाग देते हैं तो 0.5 आएगा, तो उसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 ही आएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को हम परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। उसका उत्तर क्या आ जाएगा? दृष्टिपटल। निम्न दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो दिए गए अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो वियोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट में विभक्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभक्त हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोजन, टूट रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो संतुलित जो हो जाएगा इसमें रासायनिक अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक की अभिक्रिया जो कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित करता है, तो ये डी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो PbO प्लस CU प्लस प्लस एरो PB प्लस CO, तो CU होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन CO दे दिया है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा CO प्लस PB ही होगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है सही से इसमें प्रिंट नहीं है, इसमें इसका उत्तर यही होगा PCO प्लस PB। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? विकृत गंधिता अपचयन के क्रिया के कारण से होती है, इसका उत्तर हो जाएगा अपचयन। चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इससे, चूना के अभिक्रिया जब पानी के साथ कराते हैं तो खौल जाता है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला धूसर हो जाता है, इस क्रिया में कौन सी इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस प्रक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक हो जाएगा लिटमस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा, वह लाल नहीं हो जाएगा, तो ये लाल नहीं करेगा, बाकी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और ये इथेनॉइक अम्ल है, तीनों अम्ल के साथ तो लाल हो जाएगा, लेकिन ये अम्ल नहीं है बल्कि क्षारक है, ये लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, नीचे दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, क्रिस्टलीकरण लवण का जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि वह उदासीन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ABCD, ए का pH मान 2, बी का pH मान 7 और सी का pH मान 14 दिया है, सी का 14 10 और डी का 14 है, तो इसमें कह रहा है कौन सा अम्ल है? तो अगर 7 से कम होता तो अम्ल होता, तो यहाँ 2 दिया हुआ, 2 ए के लिए है, तो ए हमारा अम्ल है। अगला प्रश्न हमारा है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है, टूट रहा है,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडन की क्रिया या वियोजन की क्रिया हो रही है। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो इसका जैव प्रक्रम हो जाएगा उत्सर्जन। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उत्सर्जन। अगला प्रश्न हमारा जो है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? तो ऑक्सीजन जो बनता है जल से टूटने के बाद बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल। अमीबा किस प्रकार का पोषण, अमीबा में किस प्रकार का होता पोषण होता है? तो प्राणी संभोजी पोषण। अगला प्रश्न हमारा है, लार में पाया जाता है तो लार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लार में पेप्सिन हार्मोन पाया जाता है या पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। किसी अगला प्रश्न हमारा जो है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा जनन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न हमारा जो हो गया, ये चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अगला प्रश्न, परागण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो उसको हम परागण कहते हैं। इसका हो गया पॉलिनेशन। परागण भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा या अपरा से। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? प्रति एकांक द्रव्यमान आदि कार्य करें। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत के विशेषता होना चाहिए। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए। निम्न में कौन समाप्त ऊर्जा स्रोत है? समाप्त ऊर्जा स्रोत जो है कोयला है, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पराग कोष में होते हैं तो पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो इसका उत्तर हमारा जो है परागकण। आज मैंने आपके समक्ष दसवीं वर्ग की विज्ञान से संबंधित जो सेट है, दूसरा सेट आपके समक्ष रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।